अब यहां पर उसने बायोमेट्रिक को खत्म कर दिया, डायरेक्टली उसने कहा है इंटर 5-डिजिट पिन। मजा नहीं आ गया? ये एरर आपको देखने को मिलता है जब भी आप अपने इजी पैसा ऐप को लॉग इन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप ये एरर देखते हैं बार बार अपने इजी पैसा ऐप लॉग इन करने के दौरान, अपने इजी पैसा ऐप को लॉग इन करते हैं तो यहाँ पर नंबर डालते हैं, वेरीफाई पे क्लिक करते हैं और अलाउ करते हैं मैसेजेस को, तो यहाँ पर जब आप वेट करते हैं ओटीपी का, ठीक है, ओटीपी आने के बाद ये देखिए जी न्यू डिवाइस डिटेक्टेड, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी तरीके के साथ। तो ये प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि इजी पैसा ने अपने ऐप को अपडेट किया जिसके अंदर उन्होंने नया फीचर डाला है कि जब भी आप नए डिवाइस के अंदर लॉग इन करेंगे तो आपको बायोमेट्रिक करना पड़ेगा। तो इसका सोल्यूशन ये, सबसे पहले जो आपके मोबाइल फोन में इजी पैसा ऐप है आपने इसको डिलीट कर देना, अनइंस्टॉल कर देना, ठीक है। अब अनइंस्टॉल इसलिए करना है क्योंकि इसके अंदर बायोमेट्रिक वाला फंक्शन है जो कि हमने वो बगैर बायोमेट्रिक के लॉग इन करना है। अब कैसे करना है, इसके लिए हमें वो ऐप चाहिए इजी पैसा की जिसके अंदर बायोमेट्रिक फीचर ऐड ना हो, उसके लिए हमें उसका पुराना वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा। इजी पैसा ऐप का पुराना वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा। अब पुराना वर्जन ऐप क्या कहाँ से मिलेगी, तो सिंपली इसका सोल्यूशन आपको मैं देता हूँ। तो आपने इस वेबसाइट पर आ जाना है, इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्लिक करेंगे इस पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो इजी पैसा का जो ऐप है पुराना वर्जन आपको डाउनलोड देखने को मिल जाएगा, आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है, इसको आपने ऐप को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। यानी ऐप डाउनलोड हो चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस करें। जैसे ये ऐप डाउनलोड हो जाए आपने अपने शटर को नीचे करना है, अपने वाईफाई या आप मोबाइल डाटा का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आपने ऑफ कर देना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑफ करेंगे तो ये वर्क करेगा। ऑफ करने के बाद आपने इस ऐप को इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये मैंने इंस्टॉल पे लगा दिया, आपने यहाँ पर वेट करना है। ये देखिए ये अभी इंस्टॉल हो रही है, वाईफाई मोबाइल डाटा बंद करके इंस्टॉल करना। अब यहाँ पर ऐप जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है, जस्ट आपने इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। आपने इसको अलाउ पे क्लिक कर देना है, जो मैं स्टेप बता रहा हूँ आपने सेम करने हैं, स्किप नहीं करनी, जस्ट लॉगिन पे क्लिक करें। अब यहाँ पर अपना नंबर दें, ठीक है। नंबर देने के बाद आपने वेरीफाई पे क्लिक कर देना है, इसको अपने अलाउ पे क्लिक कर देना, ठीक है। जो ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ये जो नोटिफिकेशन है ना पॉपअप, जब ये आ जाए उसके बाद आपने वाईफाई या जो भी आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको आपने ऑन कर देना है। तो मैं वाईफाई कर रहा हूँ तो मैं वाईफाई ऑन कर देता हूँ, ठीक है। इस स्क्रीन से आपने हटना नहीं है, यहाँ पर रहते हुए आपने ऑन करना है इंटरनेट। आपने अब आपने वेरीफाई पे क्लिक कर देना है, वाओ यार देखें। अब यहाँ पर उसने बायोमेट्रिक को खत्म कर दिया, डायरेक्टली उसने कहा है इंटर 5-डिजिट पिन। मजा नहीं आ गया? कह रहे कि प्लीज अपना पिन इंटर करें, तो मैं अपना पिन इंटर कर देता हूँ। देखें जी बगैर बायोमेट्रिक के, कसम से बगैर बायोमेट्रिक के ये जो ऐप है वो लॉगिन हो चुकी है। तरीकेकार सेम आपने यही दोहराना है, ठीक है। तो मज़ा ना आया,